हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप सबके सामने मौजूद हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, हम सब स्टडी अभी कर रहे हैं 3D की और लेसन 11.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आप सबको बताएंगे 11.3 जो नए लेसन होंगे आप सबके लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उसमें बहुत सारे आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। क्या मालूम है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पॉइंट है ना, ये सब बहुत सारे ऐसा पढ़े हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो आज काम देने वाला है, आप ज़रूर निकाल लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए कि वो क्लास 11th में जो हम सब पढ़े थे उसमें क्या कुछ खास है। अगर उसे ध्यान में रख लेंगे ना तो आज पढ़ने में एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, अगर आप के पास नोट मौजूद नहीं है क्लास 11th का तो हम जो पढ़ाएंगे ना उसे आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको फीलिंग नहीं हो पाएगा कि हम क्लास 11th में पढ़े या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि एकदम आसान और इजी लेसन है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन जब बनाएं तो साइड में जो जरूरी मुख्य पॉइंट होंगे ना इस लेसन में उसे हम समझा देंगे आपको। तो आप नोटबुक लेकर के बैठे कि जो हम समझाएंगे आपको, जो कंसेप्ट बताएंगे उसे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो चलिए, आप तैयार हो जाए मेरे साथ। एक्सरसाइज है 11.3। फर्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन है ये पहले हम डायरेक्शन आप सबको समझाते हैं। देखिए, यही है, पढ़िए पहले एक बार इसे आप और देखिए, हम पढ़ करके आपको समझाते हैं। पहले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम तो पढ़ दिए, आप कही है कि सर बाउंस कर गया, हमें मालूम नहीं चला कि क्वेश्चन में क्या करना है। कोई बात नहीं है, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे हम अभी समझाएंगे करना क्या है। तो पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जब हम बनाएंगे ना तो मैथ में यही एक प्रॉब्लम होता है कि उसका डायरेक्शन को जल्दी हम लोग भाप नहीं पाते, जल्दी समझ नहीं पाते, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं ना तो स्पष्ट हो जाता है थ्योरी। ऐसा होता है ना आप सबको? सही सही बताइए, होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये जो क्या कह रहा है अभी हम इसमें ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी क्या गिवेन है, जेड इज इक्वल टू 2 गिवेन प्लेन दिया हुआ है, पूरा लिख दीजिए गिवेन प्लेन जेड इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर 3D में जब हम स्टडी करते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता था, लेकिन यहाँ केवल जेड एक्सिस है, एक्स और वाई को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है, यानी हटा दिया गया है क्वेश्चन से। तो चलिए हम इसे ऐड कर देते हैं, 0x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। क्या और भी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट और जेड का कोफिशियंट, ये जो प्लेन की इक्वेशन में है ये क्या कहलाता है मालूम है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पॉइंट। क्वेश्चन में ही है, देखिए नॉर्मल की चर्चा यहाँ पर कर रहा है, नॉर्मल। तो एक प्लेन की इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पॉइंट को अलग पहले कलेक्ट करते हैं। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पॉइंट क्या है बताइएगा, 0, 0, 1। देन यही नॉर्मल पॉइंट को क्या करेंगे, रूट में करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी रूट अंडर 1, यानी क्या हो जाएगा, ये 1। और यही 1 को हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन दिया हुआ है,
इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। लिखिए यहाँ डिवाइड बाय वन इन इक्वेशन वन में, यानी ये वन डिजिट है, वन से इक्वेशन वन में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, जीरो एक्स बाई वन प्लस जीरो वाई बाई वन प्लस जेड बाई वन इज इक्वल टू टू बाई वन। तो देखिए क्या होगा इसका रिजल्ट, डैट मीन्स जीरो एक्स ही होगा, जीरो वाई ही होगा, प्लस जेड इज इक्वल टू टू, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वन एक ऐसा डिजिट ही हमें आ गया है जो हमें डिवाइड करने के बाद रिजल्ट सेम ही आया, तो कोई बात नहीं है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा मालूम है, लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या कहलाएगा मालूम है, जीरो जीरो और जेड का कोफिशियंट वन एंड यूनिट कितना आ गया टू। यहाँ पर बस यही क्वेश्चंस में करना है, सही बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया ना तो नाइस उस लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए हम आपको सेकंड क्वेश्चन भी बताते हैं, एकदम सेम यही रूल होगा, कुछ चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, केवल कुछ नहीं हम इसी में केवल डिजिट को चेंज करके आपको बता देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम डिजिट को रिमूव कर करके और इसे पेस्ट जब करेंगे ना तो आप भी अपने नोटबुक पर ऐसा नहीं कीजिएगा गलती, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ओके। क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, इसमें एक्स वाई और जेड सब प्रेजेंट है, चलिए कोई लफड़ा नहीं है, इक्वेशन वन ले लीजिए। तो लिख दीजिए पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पॉइंट, क्या है ये बताइए, एक्स वाई और जेड का कोफिशियंट लिख लीजिए आप, देन इसी पॉइंट को क्या करना है स्क्वायरिंग में कर देना है, इस तरह से समझिए इस कंसेप्ट को, वन प्लस वन प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यही रूट अंडर थ्री से ये जो पहले से प्लेन का इक्वेशन दे रखा है इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो चलिए इसे भी लिख देते हैं, डिवाइड बाई रूट अंडर थ्री इन इक्वेशन वन, क्लियर है, इक्वेशन वन ये टोटल है, बहुत सारे कर देना है आपको, तो चलिए क्या हो जाएगा वन बाई रूट अंडर थ्री एक्स के लिए भी, फिर वन बाई रूट अंडर थ्री वाई प्लस वन बाई रूट अंडर थ्री जेड इज इक्वल टू वन बाई इसके लिए भी रूट अंडर थ्री, क्लियर है यहाँ। अब यहाँ से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर थ्री, वन बाई रूट अंडर थ्री, वन बाई रूट अंडर थ्री एंड यूनिट्स कितना आ गया वन अपॉन रूट अंडर थ्री। आप चाहेंगे तो इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप आसानी से लिख दीजिए, गलत नहीं होगा ये, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है आपको, कहने की एकदम इजी लेसन आपको पढ़ना है, 3D उतना आपको वास्ट नहीं लगने वाला है क्योंकि क्लास 11th में आप बहुत अच्छी तरह तैयारी किए हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सबको एकदम, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन आपके बुक में प्रेजेंट है, बना लीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट और आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ है प्रैक्टिस की चीज़, और जब स्कूल खुलेगा ना तो थोड़ा बहुत इस पर हम चर्चा जरूर कर देंगे, जो आप कहिए कि सर कुछ थ्योरी नहीं बताएंगे वो क्लियर हो ही रहा है, फिर भी जब हम सामने आपके आएंगे ना, जब प्रिपेयरिंग क्लास आप सबसे लेंगे, तैयारी करवाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो उसमें क्लियर कर देंगे, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि हम आपके साथ हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप भी बताते हैं आपको, देखिए सेकेंड टाइप भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन,
और समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसके फॉर्म में, प्लेन की फॉर्म में, उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, क्लियर है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए आपको हम अभी बता रहे हैं, पेशेंस रखिए। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, अभी जो अभी हम लोग पढ़े हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम पढ़े हैं ना, फर्स्ट नंबर क्या था, जेड इज इक्वल टू 2, तो एक्स वाई नहीं था तो 0x + 0y + z = 2 करें पर 2 किए हैं, उसके बाद हम लोग सल्व किए थे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऐसे था तो सल्व किए। तो ये जो था इक्वल में वो क्या था, ओरिजिन था, जो यहाँ पर दे रखा है ओरिजिन कितना दे रखा है, 7 यूनिट्स, यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, दैट मीन्स इसे ही नाम रखा गया है। तो ये दिया हुआ है तो हमें पहले इस फॉर्म को निकालना पड़ेगा, समझिए, क्या इसमें कोई वेक्टर उत्तर दिखाई दे रहा है क्या, बोले ना दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। वेक्टर कहने का मतलब एक्स आई होता है, वाई जे होता है, प्लस जेड के होता है, आई कैप लगा हुआ रहता है, तब तो समझते हैं कि वो वेक्टर का फॉर्म होता है, ये कहाँ वेक्टर का फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है, नॉर्मल टू द वेक्टर, वेक्टर दे दिया है आपको, कह रहा है कि एक इक्वेशन क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए जो प्लेन का होना चाहिए, और क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर, तो मुसीबत, तो हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे पहले समझना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जब हम लोग वेक्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उसमें निकालते थे क्या मालूम है, यूनिट वेक्टर, बोलिए निकालते थे कि नहीं निकालते थे, निकालते थे, क्या होता था फॉर्मूला, यही होता था, जरूर आप लोगों को याद आ गया होगा, बोलिए था कि नहीं था, था। तो हाँ एक दिया हुआ है क्या, नॉर्मल टू दी वेक्टर, एक क्वेश्चन में दे रखा है तो हम यहां लिख देते हैं गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल वेक्टर, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल टू दी वेक्टर 3i + 5j - 6k, क्लियर, इसे यूनिट के फॉर्म में निकाल दीजिए, चलिए निकाल देते हैं 3i + 5j - 6k, और ये मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3i + 5j - 6k अपॉन में क्या हो गया, √70, तो 3 upon √70i + 5 upon √70j - 6 upon √70k, बोलिए यहाँ तक कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ें, ओके। अब क्या करना है, हमें ये निकल गया यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब हमें निकलना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है मालूम है, हेल्प कर दीजिए, एकदम इजी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये होता है देखिए, अब ये क्या है, यहाँ देखिए 7 upon √70i + 5 upon √70j - 6 upon √70k, क्लियर है, यहाँ 70 इंटू वेक्टर आर, दैट मीन्स xi + yj + zk = d है, दैट मीन्स यही दिया हुआ है क्वेश्चंस में 7 यूनिट, तो यहाँ पर क्या डाल दिए 7, अब मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट का, इसके i के कोफिशियंट और इसके i के कोफिशियंट, तो क्या हो जाएगा 3 upon √70x + 5 upon √70y - 6 upon √70z = क्या आ गया 7, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइएगा, जरूर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में दर्शाइएगा, इससे हौसला बढ़ेगा तब तो जाकर के वीडियो अपलोड करेंगे आप सबके लिए नए नए, तो जरूर कमेंट में दर्शाइएगा। चलिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा,
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, प्लेन्स दे दिया है इसे कार्टेशियन फॉर्म में ला देना है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, जो गिवन है ना प्लेन्स दिया हुआ है क्या, वेक्टर आर इज डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू। अब यहाँ वेक्टर आर की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, पुट कर लेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि आई जे और के को हमें हटाना है क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि हमें इक्वेशन लाना है, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, आप 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें वेक्टर का काम नहीं होता, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर का काम होता है लेकिन उसे ही तो हमें सॉल्व कर करके एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में ला देना है, या ज्योमेट्री इसे भी बोलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डालेंगे इसे ही हम इक्वेशन वन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनटू इक्वेशन वन, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ है आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू, चलिए डॉट प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, इसका एक्स का आई का कोफिशियंट, तो यहाँ आई का कोफिशियंट, आई का कोफिशियंट क्या है वन है, वन में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स होगा, जे का कोफिशियंट वन है और यहाँ जे का कोफिशियंट वाई है तो वाई हो गया, यहाँ के का कोफिशियंट माइनस वन है और यहाँ जेड है तो माइनस जेड हो गया, यही है, तो दिस इज क्या होगा, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ओके ये इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप बना लेंगे उम्मीद है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं, तो देखिए चार नंबर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से और थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर करके देखने की कोशिश कीजिएगा, तब ही जा कर के ये क्लियर होगा, समझ रहे हैं ना, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अब से ना उसे समझिए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ये समझ करके पढ़िए, ये नहीं समझिए कि चलो अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं निकाल लेंगे बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना, पूजा पाठ करेंगे भगवान से कुछ आशीर्वाद ले लेंगे तो अच्छा से पास कर देंगे, कोई भगवान काम नहीं देने वाले हैं आप सबके लिए, ठीक है ना, ये हम बार बार बताते आ रहे हैं आप सबको, आप केवल पढ़ाई कीजिए, एक्स्ट्रा ध्यान कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कीजिए, मैथ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल मैथ के लिए जो भी प्रॉब्लम हो हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर चार चार क्वेश्चन हम ले रखे हैं, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग इज फाइंड द कोऑर्डिनेट दैट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई और जेड, 3D में हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट की चर्चा होती है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट प्राप्त करना है, दैट मीन्स एक्स वाई और जेड एक कोऑर्डिनेट प्राप्त करना है, क्या है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मेन चर्चा यही है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये है क्या, तो पहले आप ध्यान दीजिए आपके पास क्या है, एक प्लेन है का इक्वेशन प्राप्त है, तो लिख दीजिए यहाँ गिवन, हम ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, बी और सी डी आपको खुद करना है, हम केवल हिंट्स दे देंगे, ओके चलिए, गिवन प्लेन क्या है 2x + 3y + 4z - 12 = 0, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है सो, ये जो एक्स वाई और जेड ये क्या है बोलता है, एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट को क्या बोलते थे, अभी जस्ट हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा किए थे आप सबके साथ, देखिए नोटबुक में देखिए क्या लिखा था, यही लिखा था ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पॉइंट, बोलिए यही था ना, क्या है यहाँ 2 है 3 है और 4 है, क्लियर है, और ये क्या है d का वैल्यू है, तो एक कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए,
अगर एक कोऑर्डिनेट और होता तो परपेंडिकुलर का फार्मूला अप्लाई कर देते। क्या था परपेंडिकुलर का फार्मूला? यही ना था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी कोई पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। परपेंडिकुलर का ही क्या ही है फार्मूला होता है। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन से मालूम पड़ गया हमें, तो एक और कोऑर्डिनेट होता तब तो जा करके हम गुना उना करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर का चर्चा यहाँ पर है। तो नहीं है तो वही कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, ये जो एक रेशियो निकल गया आप कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म आप जानते हैं क्या होता था, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ए बी सी, दैट मीन्स रेशियो होता था। तो यही रेशियो दिया हुआ है, एक्स वन वाई वन और जेड वन नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, ओरिजिन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। तो इससे एक इक्वेशन पहले हम बनाते हैं, कैसे जरा सा ध्यान दीजिए, ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन राइट एंगल राइट। अब ये क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कर रहा है तो स्वाभाविक है राइट एंगल ही होगा। टू द इक्वेशन एक्स माइनस जीरो अपॉन रेशियो बताइए क्या है, टू, वाई माइनस जीरो अपॉन थ्री, जेड माइनस जीरो अपॉन क्या है यहाँ पॉइंट फोर रेशियो, और ये जीरो जीरो क्यों, यहाँ ओरिजिन दे रखा है। क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ मान लीजिए के, यहाँ से कर दीजिए ओके ब्रैकेट्स में, यहाँ से लिखा जाता है। तो यहाँ एक्स माइनस जीरो अपॉन टू भी के इक्वल में होगा, वाई माइनस जीरो अपॉन थ्री इज इक्वल टू के होगा, और जेड माइनस जीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू भी के होगा। तो चलिए अब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू के, फिर यहाँ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री के, और यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर के। देखिए कोऑर्डिनेट्स आर ये हो जाएगा टू के थ्री के फोर के, बट अगर k का वैल्यू स्पष्ट होता पार्टिकुलर हमें मालूम होता तो यहाँ डाल करके निकाल देते, अभी भी मालूम नहीं, तब क्या करेंगे यूजिंग, देखिए यहाँ यूजिंग पेंडिकुलर ओके, यही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है टू है और यहाँ x का पॉइंट क्या आ गया टू के, तो यहाँ देखिए टू इंटू 2k प्लस क्या है 3, y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ 3k प्लस 4 z है, तो z का वैल्यू देखिए यहाँ भी निकाले हुए आप, यहाँ z 4k यहाँ एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लिख दिए हैं 4 इंटू 4k माइनस 12 इक्वल जीरो। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं 4k प्लस 9k प्लस 16k इज इक्वल टू, उधर माइनस में 12 है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 29k इज इक्वल टू 12, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपन 29। क्लियर हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 12 अपन 29 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पॉइंट निकल जाएगा। जैसे यहाँ k का वैल्यू 12 अपॉन 29 है तो यहाँ 2 में 12 अपॉन 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन 29। क्लियर हो गया, फिर यहाँ k का वैल्यू डाल दीजिए 12 अपॉन 29 तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन 29, देखिए कैसे निकल रहा है पॉइंट। फिर यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 48 अपॉन 29, यही देखिए यही आपका आंसर हो गया फाइनल, एकदम ये भी ईजी है, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब आप आसानी से बना लीजिएगा बी सी और डी, बनाइएगा जरूर बनाइएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब टर्म क्लियर नहीं होगा, ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो आप जरूर बना लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वाई है और जेड है, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा
क्वेश्चन को आप सीधा कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, जीरो एक्स है, जीरो एक्स छुपा हुआ है, समझ में आया बात। तो अपना मन से जीरो एक्स लिख दीजिएगा, तब तक क्वेश्चन आपको यही फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है, तो इसको भी आप क्वेश्चन को सीधा कर लीजिएगा, जीरो एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जीरो जेड प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्वेश्चन आ गया कि नहीं इस फॉर्म में, अब आसानी से आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सीधा कर करके ही आपको बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और जब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान है अभी इस टॉपिक से, उसे भी इस समस्या का समाधान हो जाए, इसके लिए आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, तब तक बैठ करके पढ़िए और दीजिए मुझे इजाज़त। ओके।